Dax Tutorials, a step towards the success with trust. Students, welcome to you in our YouTube channel Dax Tutorials. Last videos में हमने आपको exercise 8.2 बताई थी. आज चलते हैं आपके chapter number 8 की miscellaneous exercise की ओर, जिसमें हमने first question में दिया है find a, b and n in the expansion of a plus b raised to the power n. If the first three term of the expansion are 729, first three term of the expansion 729, 7290 and 3375 respectively. यानी हमें इस expansion में a, b और n की value find करनी है जब उसके first three term दिए गए हैं. First of all we expand it with the help of the binomial theorem. पहले हम इसको expand करेंगे, then we get nc0 a to the power n plus nc1 a to the power n minus 1 b plus nc2 a to the power n minus 2 and b to the power 2. प्लस एन सी थ्री और ए टू दी पावर एन माइनस थ्री और बी टू दी पावर थ्री प्लस डॉट 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 प्लस लास्ट में आपका होगा एन सी एन और बी टू दी पावर एन. आफ्टर दैट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेइंग दैट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट टर्म दैट इज एन सी जीरो equal n to a to the power n equal to कितना दिया हुआ है 729 right. For n c 0 की value 1 होती है, that's why a to the power n equal to 729. This is your equation number first. Second term क्या दिया हुआ है n c 1 a to the power n minus 1 b equal to 729 जीरो और एन सी वन की वैल्यू होती है एन. एन सी वन की वैल्यू होती है एन, हमारा कितना हो जाएगा एन ए टू दी पावर एन माइनस वन बी इक्वल टू 729 0. दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड. एंड थर्ड पार्ट आपको दिया हुआ है एन सी टू ए टू दी पावर एन माइनस टू एन सी टू ए टू दी पावर एन माइनस टू और आपका b टू दी पावर 2 इक्वल टू आपका है 7 दिया आपको 30375 30375 दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकंड. इसको आगे सॉल्व कर देंगे थर्ड इक्वेशन के लिए. एन सी टू को सॉल्व कर देंगे आप तो आपका हो जाएगा एन फैक्टोरियल ओवर टू फैक्टोरियल ब्रैकेट एन माइनस टू फैक्टोरियल राइट इंटू ए टू दी पावर एन माइनस टू बी टू दी पावर टू इक्वल टू 30375. आगे सॉल्व करेंगे फैक्टोरियल एन को आप एन फैक्टोरियल सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा एन एन माइनस वन एन माइनस टू फैक्टोरियल ओवर टू फैक्टोरियल सॉल्व करेंगे आप टू मल्टीप्लाई वन और ये एन माइनस टू फैक्टोरियल इक्वल टू इनटू आपका ए टू दी पावर एन माइनस टू बी टू दी पावर टू इक्वल टू 30375 राइट. आगे देखिए n फैक्टोरियल टू n माइनस टू फैक्टोरियल से हमें टू फैक्टोरियल पर चेक कट गया और 2 को आप उधर भेज देंगे तो हमारा यहाँ हो गया n n माइनस वन ए टू दी पावर n माइनस टू बी टू दी पावर टू टू का टू बन जाए टू से उधर मल्टीपल हो जाएगा टू फाइव या टेन टू सेवन या फोर्टीन वन फिफ्टीन टू थ्री या सिक्स वन सेवन और टू जीरो टू थ्री या सिक्स. दिस इज योर इक्वेशन नंबर थर्ड. आफ्टर दैट अब क्या करेंगे हम इसको सॉल्व करने के लिए
डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड, सेकंड से आप डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा a टू द पावर n होल अपॉन n a टू द पावर n माइनस 1 b इक्वल टू 729 ओवर 7290, ये बन जाओ ये टेंजेंट, राइट। n माइनस 1 से an a की पावर n को डिवाइड करेंगे तो a की पावर 1 बचेगा, यानी आपको आई मीन a की पावर n को लिख सकते हैं आप a की पावर n माइनस 1 प्लस 1, राइट। और ये लिखा जा सकता है a की पावर n माइनस 1 इनटू a, ठीक है, अपॉन में a की पावर n माइनस 1 है तो ये पूरा पूरा कट जाएगा आपका, ये बचेगा। सिंपली आप ये भी कर सकते हैं a की पावर n में माइनस n प्लस 1, तो n से n कटे पावर dn पावर माइनस हो जाती है, दैट इज a टू द पावर 1, इट मींस a बचा। इस तरीके से यहां पर a बचता है। तरीके से आपके पास होगा a अपॉन n b इक्वल टू 1 अपॉन 10, दिस इज इक्वेशन नंबर आपका 4। नाउ डिवाइड इक्वेशन सेकंड बाय थर्ड, थर्ड से आप डिवाइड कर देंगे तो आपका हो जाएगा सेकंड आपका कितना है n a की पावर n माइनस 1 इंटू b होल अपॉन n n माइनस 1 a टू द पावर n माइनस 2 b टू द पावर 2 और इक्वल टू आपका हुआ 7290 होल अपॉन 60750, इसे कट जाएगा आपका। आगे देखेंगे n माइनस 2 से n माइनस 1 कट करेंगे तो n a बचेगा आपके यहाँ और n से n कटेंगे, ठीक है, n से n कट गया आपका बचा a और ये b से b की पावर कट गई, ठीक है, तो बचा n a अपॉन n माइनस 1 b इक्वल टू 729 को आप देखिए ये आपका 9 से कट जाएगा, 9 8 जा 9 बन जा, 9 से कट करिए 9 6 जा 54 कितना बचा 6 बचा 67 हो गया, 9 7 जा 63 4 बचा 9 5 जा, फिर 9 से कट जाएगा 9 9 जा 81 और 9 से ये 9 7 जा तो डिवाइड करोगे तो हो जाएगा a अपॉन n b डिवाइड बाय a अपॉन n माइनस 1 b इक्वल टू 1 अपॉन 10 डिवाइड बाय 3 अपॉन 25, राइट। आगे सॉल्व करते हैं इसको, अब इसको सॉल्व करें, ये हमारा हो जाएगा a टू द पावर a अपॉन n b, ये पहले का लिखा हुआ ऊपर, मल्टीप्लाई n माइनस 1 b होल अपॉन a इक्वल टू 1 अपॉन 10 मल्टीप्लाई 25 अपॉन 3, राइट। इस a से कट गया b से भी कट गया, आपका बचा
और ये 5 5 5 2 अब बचा n माइनस 1 अपॉन n इक्वल टू 5 अपॉन 3 राइट 6 सॉरी 3 2 6 क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे तो जाएगा 6n माइनस 6 इक्वल टू 5 हस्बुल कर देंगे आप इसको 6n माइनस 5n इक्वल टू 6 दैट्स व्हाई n इक्वल टू आपका हो गया 6 ठीक है ना n इक्वल टू 6 हो गया अब इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए पुट n इक्वल टू 6 इन इक्वेशन फर्स्ट फर्स्ट आपकी थी a टू द पावर n यानी a टू द पावर 6 इक्वल टू 729 ठीक है इट कैन बी एक्सप्रेस्ड a टू द पावर 6 इक्वल टू 729 आल्सो 3 टू द पावर 6 729 को हम लिख सकते हैं 3 टू द पावर 6 3 टू द पावर कंपेयर करेंगे तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा दैट्स व्हाई a इक्वल टू 3 पुट a इक्वल टू 3 b इक्वल टू n इक्वल टू 6 इन इक्वेशन यानी a और n की वैल्यू यहां लगा दीजिए b की वैल्यू लगाइए पुट a इक्वल टू 3 एंड n इक्वल टू 6 इन इक्वेशन फोर्थ फोर्थ इक्वेशन आप रखेंगे तो आपको हो जाएगा 3 अपॉन n की जगह 6 v इक्वल टू 1 अपॉन 10 3 बन जा 3 2 जा ठीक है और 2 से ये 5 डाउन कर जाएगा राइट इस तरीके से आपका b इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 दैट इज a इक्वल टू 3 b इक्वल टू 5 एंड n इक्वल टू 6 After that, question number 2, in which saying that find a if the coefficient of x square and x cube in the expansion 3 plus ax raised to the power whole to the power n are equal. यानी इसमें x square x cube के अगर coefficient equal हैं, तो आपको a की value find करनी है. First of all, we write the general term for the given expansion. General term अगर आप इसका लिखेंगे टी आर प्लस वन इक्वल टू 9 CR 3 टू द पावर 9 माइनस आर और ax टू द पावर आर आगे अब आपको ये तो जनरल टर्म लिख दिया हमें चाहिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यूब फॉर एक्स स्क्वायर पुट आर इक्वल टू 2 हो जाएगा टी 2 प्लस 1 इक्वल टू 9 C 2 3 टू द पावर 9 माइनस 2 एंड ए एक्स टू द पावर 2 राइट सॉल्व करेंगे आप इसको तो आपको मिलेगा 9 C 2 3 टू द पावर 7 a टू द पावर 2 एंड x टू द पावर 2 यही छोड़ देंगे आप इसको एंड फॉर x क्यूब पुट r इक्वल टू 3 3 पुट कर देंगे तो हो जाएगा t 3 प्लस 1 इक्वल टू 9 C 3 3 टू दी पावर 9 माइनस 3 a x टू दी पावर 3 ठीक है इसे सॉल्व करेंगे आप इसको तो आपको हो जाएगा 9 C 3 3 टू दी पावर 6 और a टू दी पावर 3 x की पावर 3 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब of x square and x cube are equal. Therefore, x square का coefficient हमारे क्या हो जाएगा? ये पूरा term हमारा x square का coefficient है ठीक है? तो इसे यहाँ लिख देंगे 9 C 2 3
a to the power 7 a to the power 2 equal to x cube का हमारा ये कोएफिशिएंट है पूरा, ठीक है, तो ये 9c3 3 to the power 6 a to the power 3। अब सॉल्व करते हैं, देखिए 3 to the power 6 से 3 power 7 कट करेंगे तो 3 बचेगा, ठीक है, a की पावर 2 से 1 power 3 कट करेंगे तो a बचेगा। अभी आपका क्या बचा वो देखिए, 9c2 को हम लिख देंगे 9 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल इनटू 7 फैक्टोरियल, n माइनस 2 7 हो जाएगा मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल और ये 4 9 माइनस 3 हुआ हमारा 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई इधर आपका बचा a, राइट, की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए आगे देखते हैं 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल आप कट करते हैं इसको, आगे कुछ भी कट होने वाला नहीं है, तो आप इसे लिख देंगे 1 यानी 3 का मल्टीपल होगा 3 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल इक्वल टू यानी a अपॉन 3। चलिए अब एक्सपेंड कर दीजिए, वैसे नहीं करते तो ये कट जाता है आपका 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कट जाएगा, 2 से ये 2 कट जाएगा, आपका होगा कितना बचा 3 अपॉन 7 इक्वल टू a अपॉन 3। सिंपलीफाई करेंगे 3 इधर चला जाएगा, दैट इज a इक्वल टू होगा 9 अपॉन 7। That we have to find a की वैल्यू फाइंड करनी थी, which is a equal to 9 upon 7। DAX Tutorials presents online interactive live classes, mobile number 8279452537। That your question number 3, in which saying that find the coefficient of x power 5 in product 1 plus 2x to the power 6 into 1 minus x to the power 7। (2x^3) + (6c4) (2x^4) + (6c5) (2x^5) + (6c6) और ये 2x^6। दूसरे ब्रैकेट में आप देखेंगे 1 - 7c1x + 7c2x² - 7c3x³ + 7c4x4 + 7c5x5 + 7c6x^6 + 7c7x^7। राइट, अब हमने दोनों को एक्सपेंड कर दिए, अब हम इसमें से वो टर्म लेंगे जिनका कोएफिशिएंट यानी जिनमें x की पावर 5 आता है, इक्वेटिंग द टर्म हैविंग x टू द पावर 5 जिनमें x पावर 5। वैसे तो आप इसका मल्टीपल करेंगे तो काफी लंबा मल्टीपल बन जाएगा, आपके 7 टर्म इसमें होंगे और 8 टर्म होंगे, 7 8 56 56 इसके टर्म बनेंगे फिर मल्टीपल करने हैं, इसलिए हमें थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इसको क्या करते हैं वही टर्म ले लेते हैं जिनका मल्टीपल x की पावर 5 आता है। तो देखिए पहले 1 से मल्टीपल करेंगे, 1 से मल्टीपल करने पर वही टर्म सेलेक्ट कीजिए जिसमें x की पावर 5 आ रहा है, ये हमारा होगा
प्लस माइनस प्लस माइनस आएगा यहाँ पर ही आपका प्लस और यहाँ पर ही माइनस आएगा, बाई मिस्टेक लिख गया था ये। तो पहला वन से मल्टीप्लाई करने पर हमारा ये आएगा यानी माइनस सेवन सी फाइव एक्स टू दी पावर फाइव। अब हम करते हैं सेवन सिक्स टू एक्स से मल्टीपल, टू एक्स के मल्टीपल मतलब एक्स के पावर फोर वाला टर्म होगा फिर आपकी इसके साथ यानी ये और ये। अब इसका इसका मल्टीपल होगा तो क्या आ जाएगा प्लस सिक्स सी वन टू एक्स मल्टीप्लाई सेवन सी फोर एक्स टू दी पावर फोर। अब इसमें टू एक्स की पावर स्क्वायर से मल्टीपल करोगे तो क्यूब वाला लिया जाएगा यानी ये और ये दोनों ले लिए जाएंगे तो ये प्लस और माइनस का मल्टीपल माइनस में आएगा और ये हो जाएगा सिक्स सी टू यानी टू एक्स टू दी पावर टू मल्टीप्लाई सेवन सी थ्री एक्स क्यूब, राइट। आगे बढ़ते हैं क्यूब वाला टू वाले के साथ जाएगा इस तरह प्लस हो जाएगा सिक्स सी थ्री टू एक्स की पावर थ्री मल्टीप्लाई सेवन सी टू एक्स की पावर टू, राइट। आगे नेक्स्ट फोर पावर वाला वन पावर के साथ तो माइनस आ जाएगा तो ये हो जाएगा सिक्स आपका सिक्स सी फोर टू एक्स टू दी पावर फोर मल्टीप्लाई सेवन सी वन और एक्स प्लस आगे ये पावर फाइव वाला आ जाएगा वन के साथ मल्टीपल होगा तो वही रह जाएगा दैट इज सिक्स सी फाइव टू एक्स टू दी पावर फाइव। आपने वो टर्म ले लिए सभी जिनमें एक्स की पावर फाइव आ सकता है। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं और लिखते हैं सभी से एक्स की पावर फाइव बाहर निकाल देंगे और टर्म कोएफिशिएंट रह जाएगा माइनस सेवन सी फाइव मल्टीप्लाई सिक्स सी वन मल्टीप्लाई टू एक्स की पावर फाइव, यहाँ सेवन सी फाइव बचेगा प्लस यहाँ पर आपका बचेगा सिक्स सी वन मल्टीप्लाई सेवन सी फोर और एक्स पावर फाइव बाहर चला गया माइनस सिक्स सी टू मल्टीप्लाई टू का स्क्वायर फोर मल्टीप्लाई सेवन सी थ्री एक्स पावर फाइव बाहर चला जाएगा प्लस सिक्स सी थ्री टू की पावर यानी एट और सेवन सी टू माइनस सेवन सी फोर सिक्स सी फोर टू की पावर फोर का मतलब सिक्सटीन मल्टीप्लाई सेवन सी वन आगे प्लस टू की पावर फोर का फिफ्टीन हो गया। आगे चलते हैं ये हमारा सेवन सिक्स सी फाइव और टू की पावर फाइव मतलब थर्टी टू और बारह आएगा एक्स की पावर फाइव क्योंकि सबका कोएफिशिएंट हमने बाहर निकाल दिया है यानी एक्स की पावर फाइव टर्म को सबसे बाहर पहुंच लेनी है। आगे से सॉल्व कर देते हैं और आंसर आ जाएगा ये हो जाएगा माइनस सेवन फैक्टोरियल ओवर फाइव फैक्टोरियल और ये टू फैक्टोरियल प्लस सिक्स सी वन हमारा सिक्स हो जाएगा मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई सेवन फैक्टोरियल ओवर फोर फैक्टोरियल थ्री फैक्टोरियल माइनस सिक्स सी टू सिक्स फैक्टोरियल ओवर टू फैक्टोरियल फोर फैक्टोरियल मल्टीप्लाई फोर मल्टीप्लाई सेवन फैक्टोरियल ओवर थ्री फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई फोर फैक्टोरियल प्लस। आगे सॉल्व करते हैं इसको माइनस प्लस माइनस प्लस हमारा हो जाएगा ये सिक्स फैक्टोरियल ओवर थ्री फैक्टोरियल मल्टीप्लाई एट मल्टीप्लाई सेवन फैक्टोरियल ओवर टू फैक्टोरियल फाइव फैक्टोरियल माइनस सेवन सी फोर सिक्स सी फोर को हो जाएगा सिक्स फैक्टोरियल ओवर फोर फैक्टोरियल टू फैक्टोरियल मल्टीप्लाई सिक्सटीन और सेवन सी वन की वैल्यू सेवन होगी और ये
प्लस और 6c 6 सेल 65 की वैल्यू 60 60 वैल्यू 65 वैल्यू 6 हो जाएगी 6 मल्टीप्लाई 32 और एक्स की पावर 5। आगे सॉल्व करते हैं इसको। 7 फैक्टोरियल से माइनस 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल ओवर 5 फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 6 टू या 12 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस 6 फैक्टोरियल को आप लिखेंगे 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 इंटू 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल 5 मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल होल अपॉन 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल प्लस आगे आपका आएगा 6 को लिख देंगे 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल होल अपॉन 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल। आगे आपका आएगा ये वाला ठीक माइनस 6 फैक्टोरियल को आप लिख देंगे 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल होल अपॉन 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 16 7 जा 12 12 प्लस 32 6 जा 6 2 जा 12 6 3 जा 18 192 और इधर x टू दी पावर 5। अब इसको सिंपलीफाई करते हैं देखिए 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल फैक्टोरियल कट गया 2 से 6 3 जा ठीक है। आगे 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट गया 3 2 जा 6 कट गया ठीक है। आगे 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट गया और 2 से ये 6 3 टर्म हो गया ठीक है। आगे 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट गया 3 2 या 6 से 6 कट गया। आगे देखिए 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गया और 3 2 या 6 से 6 कट गया। आगे 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट गया और 2 से 6 3 टर्म हो गया ठीक है। आगे इधर देखिए 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट गया और 2 से 6 3 टर्म हो गया ठीक है। आगे कुछ नहीं बचा, अब आगे सिंप्लीफाई करके ही आपका आंसर आ जाएगा। आगे आप यहां देखें 7 3 21 माइनस 21 प्लस ये आपका 7 5 35 35 का 12 से मल्टीपल करते हैं 12 5 या 60 12 3 या 36 एंड 6 42 420 हो गया। आगे माइनस इसका मल्टीपल आप करेंगे 7 5 3 5 15 15 4 60 मल्टीप्लाई 60 और 7 5 35 प्लस आगे 5 4 20 28 12 60 मल्टीप्लाई 7 3 21 माइनस
अभी आप पूछेंगे हम 3 5 15 15 का 112 से मल्टीपल 3 5 15 15 टू जा 13 15 बन जाए 15 18 और 15 बन जाए 15 और 116 प्लस 192 और होल्ड टू इधर आएगा x की पावर 5। इसके बाद देखिए आपको हो गया 21 420 16 into इसका मल्टीपल 16 into 21 और ये 16 80 192 x की पावर 5। ठीक है आगे से सॉल्व करते हैं -21 + 420 -60 65 30 3 18 21 प्लस 16 16 16 2 32 33 -1680 प्लस 192 एक्स टू की पावर 5। आगे सॉल्व करेंगे इसको आपको हो जाएगा -3 3801 3801 और 3972 ये प्लस का आएगा एक्स पावर 5। फाइनली आपका आंसर होगा 171 एक्स पावर 5। हेंस कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 5 इक्वल टू 171। दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 5। After that, your question number 4. In we saying that if a and b are distinct integers, prove that a minus b is a factor of a to the power n minus b to the power n. Then your n is a positive integers. And we give you know, see this is the same. Since a to the power n can be expressed a minus b plus b equal to the power n. And you have a minus b plus b cut the a to the power n, but it is can be express just like a minus b plus b to the power n। अब हमारा ये बाइनोमियल से दो टर्म का हो गया बाइनोमियल एक्सप्रेशन बन जाएगा अब हम इसको एक्सपेंड कर देंगे तो बाइनोमियल के बेस पर ये क्या हो जाएगा हमारा बाइनोमियल थ्योरम से एन सी जीरो ए माइनस बी की पावर n प्लस एन सी वन ए माइनस बी की पावर एन माइनस वन इंटू बी प्लस एन सी टू ए माइनस बी टू दी पावर एन माइनस टू बी टू दी पावर टू और डॉट डॉट हो जाएगा हमारा एन सी एन माइनस वन एन सी एन माइनस वन और ये ए माइनस बी और बी टू दी पावर एन माइनस वन एंड लास्ट प्लस एन सी एन और बी टू दी पावर एन राइट। आगे लिखेंगे आप इसको एन सी जीरो की वैल्यू होती है 1 यानी a माइनस बी होल टू द पावर n एन सी एन की वैल्यू एन सी वन की वैल्यू होती है n और a माइनस बी होल टू द पावर n माइनस वन बी प्लस कैसे रहेगा आपको एन सी टू एन सी टू ए माइनस बी एन माइनस टू बी की पावर 2 प्लस एन सी एन माइनस वन और a माइनस बी इंटू बी की पावर n माइनस वन प्लस बी एन ये एन सी एन की वैल्यू 1 होती है बी एन हो जाएगा बी एन को हम इधर ट्रांसफर करते हैं तो हमारा हो जाएगा a की पावर n माइनस बी टू की पावर n इक्वल टू और सभी टर्म से a माइनस बी आप कॉमन ले लेंगे जब a माइनस बी कॉमन ले लेंगे तो बचेगा यहाँ
a minus b raised to the power n minus 1 plus n a minus b n minus 2 into b plus n c 2 a minus b n minus 3 b 3 प्लस डॉट 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 प्लस लगे यहाँ ई माइनस बी में सी पावर ई माइनस बी चला जाएगा बचेगा एन सी एन माइनस वन बी टू दी पावर एन माइनस वन ये तो कॉमन ही उसमें चला गया कॉमन ई माइनस बी तो इस तरह से आप देख रहे हैं ई माइनस बी इसका फैक्टर हो गया इसको फैक्टर करने पर हेंस ए माइनस बी इज यानी इसका और इसका मल्टीपल ए टू दी पावर एन माइनस बी की पावर एन के बराबर है इसका मतलब a माइनस बी इज ए फैक्टर ऑफ ए टू दी पावर एन माइनस बी टू दी पावर एन दैट वी हैड टू प्रूव ये हमें प्रूव करना है आफ्टर दैट योर फिफ्थ क्वेश्चन इज दैट वी हैव टू इवैल्यूएट 3 प्लस रूट टू रेस्ट टू दी पावर 6 माइनस रूट 3 माइनस रूट टू रेस्ट टू दी पावर 6 इसका हमें इवैल्यूएट करना है इसे पहले इसे एक्सपेंड करते हैं 3 रूट 3 प्लस रूट 2 की पावर 6 को करेंगे तो आपको हो जाएगा 6c0 रूट 3 की पावर 6 प्लस 6c1 रूट 3 की पावर 5 और रूट टू की पावर कम यानी रूट टू होनी प्लस 6c2 रूट 3 की पावर 4 रूट टू की पावर 2 प्लस 6c3 रूट 3 की पावर 3 रूट टू की पावर 3 प्लस 6c0 1 2 3 6c4 रूट 3 की पावर 2 और रूट 2 की पावर 4 प्लस 6c5 और रूट 3 रूट 2 की पावर 5 प्लस 6c6 और रूट 2 की पावर 6 माइनस दूसरा वाला एक्सपेंड करते हैं एक्सपेंड करेंगे तो सेम उसी तरीके से हमारा हो जाएगा 6c0 रूट 3 की पावर 6 माइनस 6c1 रूट 3 की पावर 5 इंटू रूट 2 की पावर 1 प्लस 6c2 रूट 3 की पावर 4 और रूट 2 की पावर 2 माइनस 6c3 रूट 3 की पावर 3 रूट 2 की पावर 3 प्लस 63, 64, रूट 3 की पावर 4, रूट 3 की पावर 2 और रूट 2 की पावर 4, प्लस और माइनस, माइनस तो आप देखेंगे 4 पावर के बाद हर टाइम माइनस आ जाएगा, 6c5, रूट 3 की पावर और रूट 2 की पावर 5 प्लस 66 रूट 2 की पावर 6 अब आगे सॉल्व करते हैं इसको देखिए ये पॉजिटिव वाला है इसके बाद ये नेगेटिव वाला है नेगेटिव ब्रैकेट खोलेंगे तो जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएंगे और नेगेटिव है वो पॉजिटिव बन जाएंगे इस तरीके से ये वाला टर्म जैसे ये अभी पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव होगा तो कट जाएगा यानी ये वाला टर्म इससे कट गया इसके बाद यानी इसके प्लस वाले सभी कट जाएंगे सेकेंड वाला नहीं कटेगा
तो ये थर्ड वाला कट जाएगा 62 और ये टू वाला कट जाएगा, फिर फोर वाला 64 वाला 64 से कट जाएगा, ये वाला 64 के बाद 66 वाला कट जाएगा, ये वाला 66 वाला। अब जो बचा वो लिख लीजिए 61, ये सभी दो हो जाएंगे, दो बार होगा तो ब्रैकेट से बाहर दो ले लीजिए। 61 की वैल्यू 6 होती है, रूट 3 की वैल्यू 5 है, तो रूट 3 इंटू यानी रूट 3 9 रूट 3 हो जाएगा, राइट। 9 रूट 3 और रूट 2 इंटू रूट 2 प्लस ये कट गया आपका 63, 6 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल रूट 3 का 3 रूट 3 इंटू रूट 2 यानी 2 रूट 3 2 रूट 2 प्लस इसके बाद ये आएगा आपका 65 एन सी एन माइनस 1 तो हमारा एन हो जाता है यानी हमारा 6 होगा, मल्टीप्लाई रूट 3 इंटू रूट 2 की पावर 5 हमारा होगा 4 रूट 2, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। आगे सॉल्व करते हैं, 2 6 9 जा 54 रूट 6 प्लस ये 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल होगा 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 और मल्टीप्लाई 2 3 या 6 रूट 6 प्लस 6 4 या 24 24 रूट 2, ठीक है। आगे देखिए 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गया, 3 2 या 6 से 6 कट गया, आपका बचा वो ले लीजिए 2 ब्रैकेट 54 रूट 6 प्लस 5 4 या 20 सीधे 120 रूट 6 प्लस 24 सॉरी रूट 6 आएगा ना, सबको प्लस कर देंगे 54 और 24 78 120 198 हो गया, 2 मल्टीप्लाई 198 रूट 6 आंसर ऑफ द गिवन एक्सटेंशन। आज के लिए वीडियो में इतना ही, जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। जिन छात्रों ने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको सभी वीडियो क्रमबद्ध तरीके से पहुंचते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ गुड डे।